कैसे हो आप? आशा करता हूं कि एकदम खुशहाल होंगे और हमारे अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हुए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि टेंडेंसी ऑफ द मोशन जो है बॉडी की, वो उस बॉडी के मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होती है, और इस मोमेंटम का जो चेंजिंग रेट होता है, उस मोमेंटम के चेंजिंग रेट को हम फोर्स कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि जितना ज़्यादा फोर्स हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे, उतना मोमेंटम रैपिडली चेंज होता चला जाएगा, और जितना कम फोर्स हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे, मोमेंटम का चेंजिंग रेट जो है वो उतना ही कम होगा और मोमेंटम उतना ही स्लोली चेंज होता चला जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है P2 - P1 डिवाइडेड बाई टाइम इज नथिंग बट द टी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास को अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो वी माइनस यू अपॉन टी। आगे बढ़कर आप लोगों को ये पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एज यू नो दैट v माइनस यू अपॉन टी दिस इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। और इसीलिए फोर्स इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे, ये रहा आप लोगों का मास, और v माइनस यू अपॉन टी मतलब ये रहा एक्सेलरेशन। और इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जरा सोचिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट खेलते वक्त आप फील्डिंग करते हैं, और जब आप फील्डिंग करते हैं तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या फिर टाइम पर आप लोगों की तरफ कोई गेंद रैपिडली आ रही है। अब सोचिए कि इस रैपिडली आती हुई गेंद को आप लोगों को रोकना है। अब रैपिडली आते हुए गेंद को अगर आप लोगों को रोकना है तो इसका मतलब आपको उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो करनी है। तो लेट्स से कि जो गेंद आपकी तरफ आ रही है उस गेंद की वेलोसिटी है कुछ हम कहेंगे 25 मीटर पर सेकंड, और इसको आप लोगों को रोकना है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी 0 मीटर पर सेकंड। और जो बॉल है उस बॉल का मास है समझिए कुछ 0.3 किलोग्राम, मतलब लगभग 300 ग्राम। 300 ग्राम की वो गेंद है जो आप लोगों की तरफ आ रही है 0.3 किलोग्राम, और ये आ रही है आपकी तरफ 25 मीटर पर सेकंड से, और इसको आप लोगों को रोकना है, मतलब इसकी वेलोसिटी को आपको करना है जीरो। और इसके वेलोसिटी को जीरो करने के लिए आप लोगों ने फील्डिंग करते वक्त क्या किया कि जो गेंद आपकी तरफ आई उसको आप लोगों ने झटके से पकड़ के पुश किया, मतलब एकदम आप लोगों ने उस बॉडी की स्पीड को जीरो कर दिया बहुत ही कम टाइम में। मतलब ये सोचिए कि पहली केस में अगर आप लोगों ने उस गेंद को आधे सेकंड में मतलब 0.5 सेकंड में ही रोक दिया, तो ऐसे सिचुएशन में कितना फोर्स आप लोगों के ऊपर एक्ट होगा। तो इसके लिए आप कहेंगे F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि फोर्स का ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब इसमें अगर आप वैल्यूज प्लेस करते हैं तो आप कहेंगे F इज इक्वल्स टू m कितना है 0.3 इंटू वी कितना है, तो 0 आप लोगों को बॉल को रोकना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय कितनी देर में आप लोगों ने उसको रोका, तो वो है 0.5। अब इस कैलकुलेशन को अगर आप करेंगे तो F इज इक्वल्स टू, अब सोचिए 0 - 25 मतलब -25, ये निगेटिव साइन आप लोगों ने बाहर निकाल ली। अब 25 इंटू थ्री मतलब हो गया 75, और ये डेसिमल पॉइंट देखा उस पीछे, मतलब ये आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -7.5, और डिवाइडेड बाय आपके पास है 0.5। अब इसको इस कैलकुलेशन के लिए आप ये डेसिमल पॉइंट एक हाउस आगे ये एक हाउस आगे, मतलब ये हो जाएगा 75/5। तो ऑफ कोर्स 5 1 5, 7 में से 5 गए 2 बचे, ऊपर आ गए 5 25, 5 5 25, इसका मतलब आप लोगों के ऊपर बॉल फोर्स एग्जर्ट करेगा 15 न्यूटन। कब? जब आप लोगों ने बॉल को एकदम रोका आधे सेकंड में। लेकिन अब ये सोचिए
कि सेकेंड केस में वही बॉल उतने ही मास की उतने ही स्पीड से आपकी तरफ आ रही है और आप लोगों ने उसको रोका, लेकिन अब रोकते वक्त आप लोगों ने उसको धीरे से रोका, बिल्कुल जेंटली रोका, पकड़ के ऐसे खींचा धीरे से, और इसके लिए लगभग लगे समझिए आप लोगों को कुछ 2 सेकंड। तो ऐसे सिचुएशन में वो गेंद आप लोगों के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी, तो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब ये वैल्यूज अगर आप लोग प्लेस करेंगे तो F मतलब M की, F इज इक्वल्स टू M की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू वी कितना 0, क्योंकि बॉल को हमको रोकना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉल की 25 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय, अब आप लोगों ने टाइम कितना लगाया तो 2 सेकंड। तो अब ये कैलकुलेशन अगर आप लोगों ने किए तो वंस अगेन 3 × 25 मतलब 75 डेसिमल पॉइंट एक हाउस पीछे आ गया, तो ये हुआ 7.5 डिवाइडेड बाय 2। ऑफकोर्स इसको ये नेगेटिव साइन लगेगी, और ये कैलकुलेशन अगर आप लोगों ने किया तो 2 × 3 = 6, एक कैरी हुआ, डेसिमल पॉइंट दिया 15, 2 × 7 = 14, एक कैरी हुआ 10, 2 × 5 = 10, तो देयरफोर हम ये कह सकते हैं कि -3.75 न्यूटन। मतलब देखिए, जब आप लोगों ने बॉल को बिल्कुल एकदम झटके से रोका था, बहुत ही कम टाइम में आप लोगों ने बॉल को रोक दिया था झटके से, तब बॉल ने आप लोगों के ऊपर 15 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया, लेकिन जब आप लोगों ने बॉल को जेंटली रोका और रोकने के लिए टाइम लिया, तब डेफिनेटली बॉल ने आप लोगों के ऊपर कम फोर्स एग्जर्ट किया, दैट इज नथिंग बट द -3.75 न्यूटन। तो इसी तरह से क्रिकेट के प्लेयर भी लॉ ऑफ सेकेंड न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज करते हैं फील्डिंग करते वक्त, और भी कई सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को या फिर लॉज को प्लेयर यूज़ करते हैं और अपने गेमिंग परफॉर्मेंस को, गेमिंग परफॉर्मेंस मतलब आपके वो वीडियो गेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके वो स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं।